यूपी में 18 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हो गई है। जो अभी कुमार कुंदन बता रहे थे, यूपी के 7 जिलों में 85 केंद्रों पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में आज से ये टीकाकरण हो रहा है। गोरखपुर, मेरठ और बरेली में भी इस आयु वर्ग यानी 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका दिया जा रहा है। तस्वीर उस वक्त की जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहां पर टीकाकरण जो 18 साल से ज्यादा के लोगों का शुरू हुआ उसका जायजा लेने हमारे संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और कदम बढ़ाते हुए आज से 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे जिले चूज किए गए हैं, 7 जिले उनमें शामिल हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, ये वो 7 जिले हैं जहां पर 9000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले थे। और उसके बाद अब ऐसे जिलों में 10-10 सेंटर बनाकर युवाओं को वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं, मैडम हमारे साथ हैं। मैम, आज से युवाओं को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, कितने सेंटर आपके यहाँ आरएमएल में बनाए गए हैं? हमने आज एक सेपरेट बूथ किया है, इनका सब कुछ अलग किया है 18 से 44 साल के लिए, बिल्कुल अलग। मैम, कितना लक्ष्य रखा गया है कि आज कितने युवाओं को वैक्सीन लगाई जाए? 300 रखा गया है। 300 केवल युवाओं के लिए, बाकी पहले से कितने बूथ चल रहे? पहले तो 4 बूथ हमारे चल ही रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड 1 सेपरेट बूथ फॉर देम। अच्छा मैम, कोई वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत सेंटर्स पर, क्योंकि कम सेंटर्स किए गए हैं, जिले भी कम चूज किए गए हैं? एक्चुअली सब जगह कम तो पहुंच रही है वैक्सीन, क्योंकि वो स्टाफ पॉजिटिव हो रहा है, लगाने वाला भी तो चाहिए, है ना, हमें तो मिल रही है वैक्सीन। तो स्टाफ की समस्या आ रही है, वैक्सीन की अभी कोई समस्या नहीं है आरएमएम में? तो एटलीस्ट नहीं आ रही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।